वर्तमान ढोंग सर ले दो टीम में काम करते हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद अपनी टीम बना के वो काम करें। वो चीज़ हमने आप में देखी है, आपकी मतलब स्टोरी ये वो सारा कुछ कंटेंट भी आपका कमाल है। तो आप ऐसा करें कि अगर आप यहाँ डेजर्ट के बच्चों का यही जू है, यही एंटरटेनमेंट की जगह है, ये घर के साथ ही सारा ये डेजर्ट है, तो इसमें ये खेल के अपना वक्त जो है ये गुजारते हैं। स्कूल यहाँ पर नहीं है और कोई भी फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं है, इसलिए फिर बच्चों का यही सब कुछ एंटरटेनमेंट की जगह है। यहीं पर ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं खेल के। ये भाई हमारे लिए सहराई बटेरा पकड़ के लेके आए हैं पकाने के लिए। राउंड अबाउट 40 किलोमीटर करना पड़ा क्योंकि एक जगह से मिले नहीं है, दूसरी जगह से निकले। नहीं नहीं ऐसे हिसाब से खोलेंगे ना। तो ये सर देख सकते हैं अभी डेजर्ट से ये पकड़े हैं और आपको इनकी रेसिपी भी दिखाएंगे। ये कहाँ से पकड़ के लेके आए आप? ये सर तकरीबन 40-50 किलोमीटर से है ना, सहरा में अंदर, सहरा के अंदर से, जो बहुत ही मुश्किल है। बटेरे का गोश्त बन चुका है। ये साइज़ में बहुत छोटा होता है लेकिन इसका सालन बहुत ही मज़े का और इसका गोश्त जो होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है। बहुत रहा है।
चलो बस सालन इनका बन चुका है। ये सालन के साथ दोपहर को चिबड़ की चटनी बनाते हैं जो कि बहुत ही मज़े की होती है। आम जुबान में पता नहीं क्या इसको कहते हैं लेकिन इनकी लोकल जुबान में इसको चिबड़ कहते हैं। चार पांच में कटो जा बस सारी कटो मैं कुत्तु साथी नाल खांदी ता मैं कुछ ना लेंदे डाढम दी सावी सोनी भाजी पक्की है। पृथ्वी बन जीवनी आ यहाँ पर गंदम की पिसाई के लिए बिजली वाली चक्की तो नहीं है इसलिए ये हाथ वाली चक्की से गंदम की पिसाई करते हैं।
ठीक है खड़ा बुरे बाल वे ये जी हमारा दस्तरखान जो लग चुका है खाने के लिए और बड़ी ही प्यारी लोकेशन है ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास देसी शक्कर है, ये जो सुबह मक्खन निकाला है ये इसमें मक्खन है, ये इसके अंदर लस्सी है और ये बर्तन जो है ये काफ़ी पुराने हैं इनके पास। और ये जो हमने चटनी बनाई है ये चटनी है, ये रोटियां तैयार हो के आ गई हैं और बड़े ही प्यारा रुमाल है जिसके अंदर इन्होंने ये डांप के रखी हुई हैं। और यहाँ की सबसे ख़ास डिश बटेरे का सालन ये भी बिल्कुल तैयार है और उसके बाद आप ये देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं देसी अचार, मतलब हर एक चीज़ जो है यहाँ की प्योर नेचुरल जो कि होम मेड है, सारी चीज़ें होम मेड हैं, खुद तैयार की गई हैं। मिलते हैं इसी जगह पे नई वीडियो में। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है बटेरा, देसी बटेरा बहुत ही अच्छा बना हुआ है, अम्मा जी ने बहुत मेहनत से बनाया है। पहले चाहता तू ही